हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग अपने फ़ोन पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं किसी एप्लीकेशन पर तो कैसे लगाएंगे, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यहां पे आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको यहां पे अपने फ़ोन पे सेटिंग को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको लॉक स्क्रीन पे क्लिक करना है, और सॉरी यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप लोगों ने अपने फ़ोन पर फिंगरप्रिंट लॉक यहाँ पे सेट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे सेट नहीं किया है तो आप लोग सेट कर लीजिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक सबसे पहले। उसके बाद आप लोग को जो है इसको इनेबल हो जाएगा ये, जैसे ही आप लोग सेटिंग करेंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अब लगाना है किसी एप्लीकेशन में लगाना है पासवर्ड। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है तो यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैनेज एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, और सॉरी यहाँ पे क्लिक नहीं करना है गाइज, यहाँ पे आपको ऐप लॉक पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप लोग जो भी एप्लीकेशन पे लॉक लगाना चाहते हैं ना, तो उसको आप लोग यहाँ पे जिस भी एप्लीकेशन में लॉक लगाना चाहते हैं उसको आप लोग यहाँ पे क्लिक करके इनेबल कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही आप लोग उसको इनेबल करेंगे ना, तो आपके उस एप्लीकेशन पे लॉक लग जाएगा, और जो आपका पावर बटन होता है ना आपके फ़ोन पर, वहाँ पे आप लोग जो है अपने फिंगरप्रिंट को लगाएंगे तो वो जो है ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे आप लोग अपने फ़ोन पे किसी भी एप्लीकेशन पर यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।